क्लास थर्ड एक्सरसाइज सिक्स देखिए, पहला क्वेश्चन है डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वार्टियंट। इसको डिवाइड करके रिमाइंडर और क्वार्टियंट आप लोगों को प्राप्त करना है। पहला क्वेश्चन है 19 डिवाइड बाई 3, ये जो है पहला का, उसमें 19 में डिवाइड करना है 3 से। ठीक, तो डिवाइड कर लेंगे, 3 के टेबल में 19 आता है नहीं आता है, तो देखेंगे 19 से कम, मतलब 19 के जस्ट पहले वाली संख्या आती है कि नहीं आती है, या फिर 19 से कम कितने बार में आता है। ठीक, 19 से कम 18 आता है 3 के टेबल में, तो देखेंगे 3 के टेबल में 18 जो है कितने बार में आता है, 6 बार में आता है, तो 6 बार में ले जाइए, फिर 6 जो 18 1 बच गया, तो यहाँ पे जो आता है उसको क्वार्टियंट बोलते हैं, और ये जो होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, अगर इसको वेरीफाई करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, इसको डिवाइजर बोला जाता है, ये डिवाइडेंड होता है, ये क्वार्टियंट और ये रिमाइंडर। तो डिवाइजर से क्वार्टियंट में मल्टीप्लाई किया जाता है और जो रिमाइंडर होता है उसको ऐड कर दिया जाता है। 36 या 18 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19 मिल गया। अगर ये वाला मिल जाए हमको तो हमको हम मानेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग सही सॉल्व किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी वैसे ही कीजिएगा, 11 मल्टीप्लाई करना है 2 से। देखिए 2 के टेबल में 11 आता है नहीं आता है, तो 11 से कम कितना आता है 2 के टेबल में, 10 आता है, कितने बार में, 5 बार में, तो 5 बार में ले जाएंगे इसको, 5 टू 10 1 बच गया, तो ये हो जाएगा क्वार्टियंट और ये हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, डिवाइड टू फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वार्टियंट। इसमें भी डिवाइड ही करना है, क्वार्टियंट और रिमाइंडर आप लोग को प्राप्त करना है। 49 में 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 49 में 2 से डिवाइड करना है, तो ये दो डिजिट वाला है। ठीक, तो 2 के टेबल में 49 तो आएगा नहीं डायरेक्टली, तो केवल 4 को, पहले वाले डिजिट को देखेंगे आता है कि नहीं। 2 के टेबल में 4 आता है दो बार में, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, अब 9 वाले को उतारेंगे, तो 2 के टेबल में 9 आता है नहीं आता, तो देखेंगे इससे कम कितना आता है, 8 आता है, कितने बार में, 4 बार में, 1 बच गया, तो ये हो गया क्वार्टियंट और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक, अब जैसे ये वाला देख लीजिए, 3 डिजिट वाला, 209 में 2 से डिवाइड करना है, एक एक डिजिट करके डिवाइड करेंगे, पहले 2 को ले जाएंगे 1 बार में, फिर 0 आ गया तो 0 यहाँ पे लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल, फिर 9 को लिखेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता है तो 8 आता है 4 बार में, ये बच गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वार्टियंट। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।